नमस्कार, मैं प्रदीप शोकंद और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। इस वक्त मौजूद हैं जय मां अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र उचाना में। आपको बता दें कि कल जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी के पर्व को लेकर उचाना मंडी में तैयारियां आज से ही शुरू हो गई हैं। अगर मंदिर की बात की जाए, मंदिर दुल्हन की तरह सजा दिए गए हैं। उचाना के अंदर इस वक्त मां अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र में मौजूद हैं और आप देख पा रहे हो तस्वीरों में किस तरीके से यहां पर मंदिर को सजाया गया। मंदिर की सजावट बहुत अच्छे तरीके से यहां पर की जा रही है। और इस जो जन्माष्टमी का जो पर्व है क्यों मनाया जाता है और उस दिन हमें व्रत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो तमाम जानकारी हम यहाँ पर जो पंडित जी हैं, पुजारी हैं यहाँ पर, उनसे भी तमाम जानकारी लेंगे। आखिर इस पर्व को किस तरीके से मनाना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उचाना में पुजारी जी, मंदिर के तमाम जानकारी हम उनसे लेते हैं। पुजारी जी, सबसे पहले पंजाब केसरी टीवी पर आपका स्वागत। नमस्कार जी। अगर बात की जन्माष्टमी की, तो जन्माष्टमी का जो पर्व है क्यों मनाया जाता है, वो हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं, वो बता दें। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरी राम राम, हाथ जोड़ करके। जन्माष्टमी का जो त्योहार है श्री कृष्ण जी से जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, उसके उत्सव में ये त्योहार मनाया जाता है। अगर बात की जाए इस त्योहार पर व्रत भी रखा जाता है, रखना चाहिए, किस तरीके से रखना चाहिए, वो तमाम जानकारी दे दें। जन्माष्टमी का जो त्योहार है उसमें सभी को ये व्रत रखना चाहिए। ये व्रत निराहार है, बिना आहार के रखा जाता है। और जब श्री कृष्ण जी का जन्म होता है चंद्रमा के उदय होने पर, जब इसको व्रत को खोला जाता है। जो जन्माष्टमी की जो तैयारियां की जा रही हैं मंदिर में, तो क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे कल को और किस तरीके से कार्यक्रम चलेंगे, वो तमाम जानकारी। जन्माष्टमी का जो कल त्योहार है, सबसे पहले तो यहाँ श्री कृष्ण जी की पूजा की जाएगी मंदिर में। उसके बाद जैसे भी प्रोग्राम है, जैसे यहाँ झांकियां श्री कृष्ण जी की, राधा रानी की, और भी तमाम झांकियां उनकी झलक के दिखाई जाएगी। और सभी जो हमारे यहाँ धर्म से जुड़े हुए, सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, उनको इन झांकियों से और मंदिर में आना चाहिए, इससे उनकी परंपरा बनी रहती है। अगर बात की जाए जो ये जन्माष्टमी पे जो कार्यक्रम रहेंगे, उनका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा, क्या मैसेज आप उनसे देना चाहते हैं, युवाओं को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, सबको क्या मैसेज इस पर्व से आप देना चाहते हैं? ये तो जन्माष्टमी का उत्सव है, इस त्योहार पर है, कोई भी त्योहार हो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, उससे सभी युवाओं को प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने धर्म के अनुसार चलना चाहिए और अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। श्री कृष्ण की जो लीला है उसका यहाँ पर वर्णन किया जाएगा, उसकी महिमा का गुणगान यहाँ पर किया जाएगा। तमाम तरीके की खबर पाने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट भूपेंद्र के साथ प्रदीप शोकंद, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।